अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, वी स्टार्टेड विद अ वेब एप्लीकेशन और उसको डेवलप करने में इट टुक मी 1 मंथ. लेकिन जब हमने आइनिक पे मूव किया तो इट लिटरली ऑलमोस्ट टुक मी 1 वीक टू कम्प्लीट द आइनिक एप्लीकेशन. और हम इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि अगर मैं इनपुट यूज करी तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनपुट आई यूज आयन इनपुट, मतलब मैं आयनिक स्पेसिफिक नोट्स यूज करूंगी, आयनिक स्पेसिफिक एचटीएमएल यूज करूंगी. लेकिन जो आप सर्विसेज बनाते हैं या जो आप डायरेक्टिव्स बनाते हैं वो आप सिंपली आपकी जो वेब ऐप है उसमें से आप कॉपी करके अपनी आयनिक ऐप में डाल सकते हैं. तो दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज. प्लस मुझे याद है कि जब मैं अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं अपने एफआईपी पे काम करी थी तो उसमें मेरी एक मोबाइल तब मुझे हाइब्रिड का आइडिया नहीं था, तो उसमें मेरी एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, एक वेब ऐप थी और एक डेस्कटॉप ऐप थी. तीनों की मुझे एक चैट सिस्टम बनाना था. तो मैं डेस्कटॉप ऐप के लिए सी शार्प यूज करी थी एंड एट द सेम टाइम आई वाज यूजिंग जावास्क्रिप्ट फॉर माय वेब ऐप एंड एट द सेम टाइम आई वाज यूजिंग जावा फॉर एंड्रॉइड. तो मैं एक साथ तीनों पे काम कर रही होती थी एंड समटाइम्स आई वुड गेट कंफ्यूज कि ये एरर क्यों आ रहा है. अभी मुझे याद आता कि मैंने सी शार्प में जावा का कोड लिख दिया या जावास्क्रिप्ट में मैंने सी शार्प का कोड लिख दिया. तो दिस इज अनदर एडवांटेज, बट द पॉइंट इज कि आप सर्विसेज और डायरेक्टिव्स और ये सब आप कॉपी कर सकते हैं एंड इफ यू हैव द वेब ऐप डेवलप्ड तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है. डेफिनेटली आपको एचटीएमएल फिर से लिखनी पड़ेगी लेकिन सर्विसेज आपकी कॉपी हो सकती है. जी बिल्कुल कर सकते हैं. इनफैक्ट हमने पूरी की पूरी वो सर्विसेज एज इट इज कॉपी की है उसमें. Based upon your both the experiences, Android application, अगर हम web view पे भी बना रहे हैं तो we are basically running two things on a single application, an application itself and a web view over that application. तो based upon that performances का क्या आपका experience है फर्क है, यानी web view application है उसकी performance कैसी होती compared to because it's running two different entities on the same application. सबसे ज्यादा ऑब्वियस परफॉर्मेंस इशू तो इनिशियल लोडिंग का आता है, क्योंकि अगर आप नेटिव एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो आपकी सिर्फ एप्लीकेशन लॉन्च होगी और जब तक आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, विच इज यूजुअली लेस देन 1 सेकेंड और 1 सेकेंड. लेकिन अगर आप आने का बना रहे हैं तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा कोड शो किया था जिससे मैंने थोड़ा सा जावा का कोड लिखा हुआ था. यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ऑन क्रिएट के अंदर आपका लोड यूआरएल हो रहा है. तो यहाँ जब आप आईनिक ऐप डेवलप करते हैं तो आपका पहले तो ऐप लोड होती है, उसके बाद उसके ऊपर आपका वेब व्यू लोड होता है. तो इससे इनिशियल लॉन्च टाइम थोड़ा इंक्रीज होता है. बट अगेन आपको बेनिफिट्स, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स एंड इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपको आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, तो उसके बेस पे आप चूज कर सकते हैं. एंड अगेन वी आर यूजिंग नेटिव एप्लीकेशन जिसमें हम लोग अपना कस्टम कोई जो हमारे प्लगइन है वो कस्टमाइज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव अ कैमरा एप्लीकेशन एंड आई वांट टू बिल्ड अ कस्टम कैमरा फॉर दैट एप्लीकेशन, सो दैट्स समथिंग आई कांट डू विद द वेब व्यू. कर सकते हैं बिल्कुल. कॉर्डोवा के बारे में मैंने बात की थी. आयनिक डजंट एक्चुअली आयनिक का इसमें कोई हाथ नहीं होता कि आप कैमरा की फंक्शनैलिटी यूज करें. कैमरा और जो भी चीजें आपकी हार्डवेयर स्पेसिफिक होती हैं वो कॉर्डोवा हैंडल कर रहा होता है. और आई डोंट नो अगर मैं आपको अभी शो कर सकूं यहाँ पे, जैसे मैं आपको कैमरा का प्लगइन शो कर देती हूँ. कॉर्डोवा ये प्लगइन्स प्रोवाइड करता है और अगर आप इसका सोर्स देखें तो जो लोग प्लगइन डेवलपर्स होते हैं वो जावा में और आईओएस में कोड लिखे होते हैं इसका पीछे से. तो इफ यू हैव एन इशू यू कैन पोस्ट इट ऑन द रेपो. अगर आपको नेटिव जावा या आईओएस स्विफ्ट नहीं आती तो आप इशू पोस्ट कर सकते हैं एंड देल फिक्स इट, क्योंकि कॉर्डोवा यूज करता है नेटिव एसडीकेस. मतलब कॉर्डोवा के पीछे आपकी जावा का कोड लिखा होता है और स्विफ्ट का कोड लिखा होता है, तो दे कैन मेक चेंजेस देयर. तो प्रॉब्लम नहीं होती यूजुअली. बहुत सारे इशू लिस्ट होती है और आप यूजुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए होते हैं. तो द गुड थिंग अबाउट इट इज हमें इस चीज के लिए परेशानी होना होता. जो लोग प्लगइन डेवलपर्स होते हैं वही इसको टैकल करते हैं. स्ट्रांग कम्युनिटी इज, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. आई हैव वन मोर क्वेश्चन.
Xamarin has some issues, and I don't know, but
I'm not sure it uses C sharp again. But from back end it uses C sharp, and from front end it uses WPF, the traditional coding of WPF. In C sharp? Yeah, back end it uses C sharp, and for front end it uses traditional coding of WPF. Okay, but again, I'm an INIC developer. INIC mein problems hai. Again, INIC problems aapki har cheez mein hote hain, and that is why we get new versions every day. INIC has a very good, very strong community, and matlab improve ho raha hai, bahut zyada kaam ho raha hai is pe. Xamarin wale Xamarin ko support karenge, INIC wale INIC, but I'm not getting biased or anything. Xamarin mein mera experience hai, I'm probably not the best person. I was just raise this question because there are architectural issues na. They have told me ke, that Xamarin is working on directly with the OS layer. जिंदगी का कोई इंसान कोई डेवलपर कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो कहना कि परफॉर्मेंस गद्दी होती है या नहीं होती है इट्स हाईली सब्जेक्टिव इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हुज कोडिंग इट हाईली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करते हो कि वो परफॉर्मेंट रहती है नहीं रहती जो इनिशियल लोड टाइम की भी बात की है ये डिस्कशन भी बहुत सब्जेक्टिव है इनिशियल लोड टाइम बढ़ाने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इफ यू हर्ड द वर्ड प्रोग्रेसिव डेवऑप्स इट्स देयर टू एनहांस दैट यूजर एक्सपीरियंस So, again, like she said, decide on your priorities and then you will be able to pick up the right choice for the framework you want to build your app on. Rather than discussing that it's not that performant, just create a nice repo on GitHub, do the comparisons and help everyone. Okay? I think that's right.